सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। में तो आप सुनो अच्छे हो, यहाँ पे हमारे पास है बजाज की प्लेटिना 110 सीसी। और भाई देख सकते हो ये है एबीएस वाला वेरिएंट, आप देख सकते हो इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है। तो आइए देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करी है 2023 में बजाज ने। और एक चीज़ और बढ़िया काम कर दिया भाई, ये A20 के साथ आने लग गई है। तो अब बड़े सेगमेंट से लेकर छोटे सेगमेंट हर जगह A20 का ही भाई बोलबाला रहने वाला है मेरे हिसाब से। भाई अब नॉर्मल इंजन बंद होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करी है, चलिए शुरू करते हैं। बात करें इसके लुक की, तो आप फ्रंट का लुक देख सकते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को लुक मिल जाता है। यहाँ पे DRS मिल जाते हैं, मैं चला के एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ इसके DRS मिल जाते हैं, नीचे हैलोजन बल्ब मिल जाता है, हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फ्रंट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ्रंट का लुक आपको मिलता है फ्रंट में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को डिस्क मिल जाते हैं, एंड्योरेंस के कैलिपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। कम्फर्ट टेक का यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो वेरियंट है जी, इसका 110 सीसी वाला वेरियंट है जो कंफर्ट टेक के साथ आता है। आप देख सकते हैं प्लेटिना की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी 110 सीसी का आपको इसमें इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। साइड का लुक आप देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ साइड का लुक है। बाकी यहाँ पे 110 सीसी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यहाँ पे आप लोगों को ये भी मिल जाता है ब्रांडिंग, ठीक है। बाकी आप सीट देख सकते हो भाई, काफ़ी बड़ी सीट मिल जाती है आप लोगों को। इतनी बड़ी सीट होने का मतलब आप समझ लो गाइस, कम से कम 4 बंदे आप बैठा के इसको चला सकते हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, 110 सीसी ABS ऐसा लिखा मिल जाता है। ऐसे ग्रेवल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप सीट की देख सकते हैं भाई, कितनी लंबी सीट आपको मिलती है भाई। इतनी लंबी सीट होने का एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप ट्रिपलिंग ये सब कर सकते हो, लेकिन वैसे है इलीगल, ठीक है। बाकी यहाँ आप लोगों को टैंक पैड मिल जाता है। बाकी ये एक चीज़ यहाँ देख सकते हो भाई, A20 की ब्रांडिंग मिलती है। तो जो इसका इंजन है भाई, वो रीबिल्ड किया गया है। इसमें आपकी थोड़ी सी पावर इसमें कम मिलेगी आप लोगों को, थोड़ा सा इनिशियल जो रहेगा ना वो थोड़ा सा कम रहता है, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। पावर फिगर सेम रहने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो सस्पेंशन है इसके, ये आपको बहुत अच्छे गोल्डन और ब्लैक के आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। तो गोल्डन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने यूज़ किया है इस बाइक के ऊपर, बहुत बढ़िया लगता है। बाकी पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं इधर भी, और इस तरफ भी आप लोगों को काफ़ी मजबूत मिल जाते हैं। ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट पाइप आपको मिलती है, ठीक है, सिल्वर फिनिश के साथ, और सॉरी क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। देख सकते हैं आप लोग को ऐसे कुछ टेल सेक्शन इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेल सेक्शन काफ़ी अच्छा मिलने वाला देखने को। तो ये हैलोजन मिलता है, बाकी इंडिकेटर से आपको हैलोजन मिलते हैं, ऐसे मड फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें इसके टायर की, तो भाई इसमें आपको JK टायर्स मिल जाते हैं, ठीक है। बात करें इसके साइज़ की, तो 80-117 का आपको टायर साइज़ मिल जाता है, ठीक है। बात करें फ्रंट के टायर साइज़ की, तो भाई आगे 80-117 का इसमें आगे मिल जाता है, JK टायर्स मिलते हैं, ठीक है। कि डिस्क ब्रेक की बात करें गाइस, तो इसमें आप लोगों को एंडोरेंस के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे कैलिपर पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और गाइस ऐसा कुछ जिसका आपको मीटर देखने को मिल जाएगा, मीटर कंसोल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं फ्यूल का मिलेगा, गियर पुश इंडिकेटर मिलेगा, न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सोचिए जो जो चीज़ें बजाज अपनी 125 वाली पल्सर NS पल्सर में नहीं देता, वो इसमें आपको दे देता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे कुछ आपको हैंडल बार मिल जाएंगे, और ऐसा कुछ इसका हॉर्न सेटअप है, सिंगल सेटअप हॉर्न के साथ आती है, और इसमें एंटी लॉक, तो इसमें गाइस आपको ABS का भी सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी गाइस इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बढ़िया मिल जाती है, जो कि है मिडिल स्टैंड, और ये आप देख सकते हो साइड स्टैंड किल स्विच भी इसमें आपको मिलता है। 5 गियर का आपको मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो 115 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी पावर की बात करें, तो 8 BHP की पावर और 9 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। तो जो इसकी एवरेज रहने वाली, एवरेज आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। 70 से लेकर 80 तक की एवरेज आप इससे निकाल सकते हो। बाकी टैंक साइज़ की बात करें ना, टैंक साइज़ की बात करें तो 11 लीटर का टैंक साइज़ आपको मिलता है, और 2 लीटर का आपको रिजर्व फ्यूल मिल जाता है, ठीक है। तो जो इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं गाइस, वो इंजन से रिलेटेड हुए हैं, जो आपका E20 वाला वेरिएंट आ गया ये, ठीक है। तो BS6 फेज 2 कंप्लाइन आपको ये इंजन मिल जाता है, ये एक चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। बाकी जब इसमें आप E20 वाला ऑयल डलवाएंगे ना, जो आजकल हर पेट्रोल पंप में आपको अवेलेबल है, ठीक है, तो बाइक काफ़ी अच्छी स्मूथ चलेगी, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी बाइक, ठीक है। फ्यूचर सेफ बाइक एक तरीके से देखा जाए, बाकी एवरेज के मामले में भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। लुक्स के मामले में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। बाकी थोड़ी बाइक हल्की मानी जाती है, ठीक है, प्लेटिना लोग थोड़ा हल्का मानते हैं इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, एवरेज इतना अच्छा आपको निकाल के देगी ना। स्प्लेंडर फेल है इसके आगे गाइस, अगर आपको इसका पूरा डिटेल में रिव्यू देखना है, तो मैंने पहले भी इसका रिव्यू कर रखा है, तो बाकी आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसमें आप देख जाके चेक कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ इसके अपडेट्स थे, अपडेट में खाली इंजन ही अपडेट हुआ है, ज़्यादा खास कुछ अपडेट हुआ नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में, टिल देन बाय।